Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and taking care of yourself and also of your study. Today we have discussed a new chapter, area related to circle. By the way, you have already some concepts related to this chapter in the previous classes. तो बच्चों ये चैप्टर ऐसा है कि इससे रिलेटेड कुछ आपने जैसे क्लास नाइन्थ में भी था, एट्थ में भी था और एरिया से रिलेटेड बात हम इसमें करेंगे। अब चूंकि चैप्टर में लिखा हुआ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी सर्कल से रिलेटेड जो एरिया होगी, एरिया होता क्या है कि जैसे ये प्लेन सरफेस है तो ये जो पार्ट है इसको फाइंड आउट करना। तो हमारा क्या होता है कि एरिया दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक डायमेंशन इसकी ये और दूसरी डायमेंशन ये हो गई, यानी इसको लेंथ मान लिया तो वो ब्रेथ हो गई, वो लेंथ मान ली तो ये ब्रेथ हो गई, ठीक है। एल इंटू बी तो इस सरफेस का एरिया आ जाएगा, इस बोर्ड का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एरिया किससे चाहिए, मुझे सर्कल की एरिया चाहिए। और दूसरी बात, तो सर्कल के एरिया आप तो कहोगे पाई आर स्क्वायर, बहुत समय से फाइंड आउट करते रहे ना। तो इसने का रिलेटेड वर्ड, रिलेटेड मतलब सर्कल से रिलेटेड एरिया, ठीक है। तो सर्कल की भी एरिया हो सकती, पार्ट ऑफ भी सर्कल हो सकता है, ठीक है ना। तो जितने भी सर्कल हो गए, सर्कल का कहीं से भी पार्ट कोई सा भी होगा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल भी हो सकता है, ठीक है ना। एक क्वाड्रेंट भी हो सकता है, मतलब एक सर्कल को चार इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम क्वाड्रेंट कहेंगे। जो हमारी मिनट हैंड है वो भी ऐसे घूमती है तो वो कहेगा कि इतने मिनट में कितनी एरिया स्विफ्ट करेगा, या जैसे कार का वाइपर हो गया कि वो ऐसे ऐसे घूमता रहता तो कितनी एरिया स्विफ्ट करता है, ठीक है। तो एक तो हम इस तरीके से एरिया की बात करेंगे, दूसरा क्या होता है सर्कल का सर्कमफेरेंस, जहाँ कहीं भी एरिया है वहाँ रेडियस दे रखा, हो सकता है कभी सर्कल का सर्कमफेरेंस दे रखा हो और कहीं एरिया बताओ, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर होगा, कुछ चलेगा। तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जैसे ये हमारा सर्कल है, ये हमने बना लिया सर्कल और ये सेंटर हो गया, सेंटर से सब पास होती हुई है लाइन चली गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर, कितने भी डायमीटर इसमें ड्रॉ किए जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या मान लिया कि ये ओ था, तो इसका नाम अगर डाल लें तो ये क्या है कि ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर। और ओ बी क्या हो गया, डायमीटर को स्मॉल डी या फिर कैपिटल डी किसी से भी डिनोट किया जा सकता है। ओ बी क्या है, ओ बी इज रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखो कि ओ बी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको हम स्मॉल आर या कैपिटल आर किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब डायमीटर इतना हो गया और रेडियस हो गया इतना, तो रेडियस बराबर हमारा क्या हो सकता है कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का आधा, या हम क्या कह सकते हैं कि डायमीटर रेडियस का टू टाइम्स हुआ करता है। डायमीटर जो है वो रेडियस का टू टाइम्स हुआ, इसका ये तो मतलब हुआ भाई, टू से इसको ये इतना और ये इसका डबल, ठीक है। तो डायमीटर और रेडियस में आपस में ये रिलेशन होता है। अब बच्चों ये जो बाउंड्री दे रखी है, तो हम क्या करते कहते रहे क्लास एट तक कि बाउंड्री क्या होता है कि किसी भी फिगर का आउटर साइड्स, किसी भी फिगर का उनका टोटल पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ बाउंड्री क्या है, ये इसकी बाउंड्री है, तो अगर ये इसकी बाउंड्री है तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। यानी सी क्या है हमारा, सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस, सी सरकमफ्रेंस है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि सी होता क्या है, कि सी इज इक्वल टू टू पाई आर, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ पाई डी, यानी टू और आर है ना, तो टू आर बराबर डी है, तो मैंने इस टू आर की जगह पर ये डी रख दिया, तो ये क्या हो गई, सर्कल की सरकमफ्रेंस हो गई। अब देखो बच्चों क्या होता है कि क्वेश्चन कभी कभार घुमाता ही है,
कहता है कि सेमी सर्कल दे रखा है इस तरीके से, अब इसका सर्कमफेरेंस बताओ। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसका आधा कर देते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डी के बराबर हो जाएगा। अगर मान लो कि जैसे मान लो एक रेक्टेंगल ऐसे इसने दे रखा है और इस रेक्टेंगल में ऐसा एक सेमी सर्कल ऐसे काट करके इसने निकाल दिया और फिर पूछ रहा है कि इसका सर्कमफेरेंस बताओ। तो बच्चों इसके सर्कमफेरेंस के लिए अब क्या होगा कि सर, तो ये अब देखो, अब जैसे ये तो सेमी सर्कल था, मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया इस तरीके से। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, मैं क्या कह रहा हूँ कि आउटर बाउंड्री का टोटल, तो आउटर बाउंड्री एक लेंथ तो ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, एक ब्रेथ ये हो गई, और ये बच्चों सेमी सर्कल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सेमी सर्कल बना हुआ है। सेमी सर्कल का क्या होता है सर्कमफेरेंस, पाई आर होता है। तो दो तो एल हो गई, प्लस का बी हो गया, प्लस का पाई आर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे ये दे रखा है कि इसमें ऐसे एक सर्कल का इस तरीके से पार्ट निकाल करके दे दिया, अब पूछ रहा है कि इसका पेरीमीटर बताओ। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा कि दो तो रेडियस हो जाएंगे और ये लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगी। तो ये लेंथ ऑफ द आर्क आएगी कैसे, उसका फार्मूला हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सर्कमफेरेंस की बात हो रही है। ऐसा कहीं ना कहीं कोई चैप्टर में क्या होगा कि इन्वॉल्वमेंट होगा, होगा चैप्टर में, इसलिए मैं इस पेरीमीटर को या सर्कमफेरेंस को इतने डिटेल में आपको बता रहा था। आगे चलते हैं, एरिया की बात करते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। एरिया पर आए तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है भाई, पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। ये हमने क्या मान रखा है, स्मॉल आर मान रखा, कई रेडियस ऑफ द बेस यानी इसको हमने स्मॉल आर मान रखा। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो गई हमारी, पाई आर स्क्वायर के बराबर हो गई, ठीक है ना। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स दे रखे होते हैं। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिनको कंसेंट्रिक सर्कल टीचर ने तो बताया बहुत बार, लेकिन हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया हो। तो उस कंसेंट्रिक सर्कल जो हमें दे रखा है, होते क्या है कंसेंट्रिक सर्कल, अभी मैं बताता हूँ कि दो ऐसे सर्कल्स जिनका कि सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस क्या है, अलग अलग है। तो इस टाइप के सर्कल्स को हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल में अब ये जो पार्ट हमारा है इसका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया किस तरीके से निकलेगा कि बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो इसको हम क्या कहते हैं कि एरिया ऑफ द रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो गया, बड़े वाले सर्कल का एरिया, मैंने कैपिटल आर मान रखा ना, तो मैंने कैपिटल आर माइनस पाई आर का स्क्वायर, इसमें क्या हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये रिंग का एरिया निकल आएगा या फिर सेल का एरिया निकल आएगा। और भी ये कहाँ पर यूज होगा, जहाँ पर जैसे एक सिलेंडर दे रखा होगा और उसमें कुछ थिकनेस दे रखी होगी, तो हमसे कहीं से एरिया पूछ रहा होगा, तो हम इस टाइप का क्वेश्चन, ये फार्मूला हम वहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो अब मैंने लिखा यहाँ पर कि लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो पहले मैंने एक सर्कल बनाया ये, ठीक है, ये सर्कल बनाने बन रहा है। तो ये आ गया, ये जो है ना आर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सर्कल। आर्क क्या होती है, अ पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये जो है आर्क है, इसकी लेंथ मैंने एल मान ली और ये एंगल दे रखा मुझे थीटा और ये रेडियस दे रखा, ठीक है। तो अब लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगी, इसको हम शॉर्ट में एल ए बी, ए ओ और यहाँ पर बी आ गया। तो ये माइनर आर्क है बच्चों, ठीक है, और ये मेजर आर्क है।
तो लेंथ ऑफ द, जब भी आर्क लिखा हो तो माइनर आर्क, तो मैं इसको ऐसे इंडिकेट कर दिया, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इसको पढ़ा जाएगा, या एल और बीच में एम लिख दिया और ए भी लिख दिया। तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क हमारी क्या होती है कि थीटा अपान में 360 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी 2πr के बराबर होता है। ये फार्मूला आपके लिए क्या होगा कि नया होगा, इससे पहले कहीं पर नहीं आया होगा। तो थीटा अपन 360 इंटू 2πr, 2πr क्या है, 2πr सी तो बराबर होता है 2πr, अभी बताया था क्या होता है ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ कि जैसे ये तो हमने लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकाली, मान लो कि हमने एक और सर्कल ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया और ये इसमें बना लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेक्टर, क्या कहते हैं सेक्टर, और ये जो छोटा वाला पार्ट है तो इसको हम क्या कहेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। तो अब इसमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो ये आर हो गया और ये थीटा हो गया, थीटा मतलब डिग्री मेजरमेंट ऑफ द एंगल, तो मैंने क्या लिखा है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर किसके बराबर है थीटा अपान में 360 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, ध्यान से देखो थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या होता है सर्कल का एरिया होता है, तो उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या था माइनर माइनर सेक्टर। अब मुझे मान लो कि इसका इस वाले का एरिया चाहिए, इसका एरिया इस वाले पार्ट का चाहिए बचे हुए पार्ट का, तो मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, या तो मैं सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूँ, ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूँ कि इस थीटा की जगह पर 360 माइनस थीटा रख सकता हूँ, यानी मैंने चलो लिख लिया कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एसीसी में सेक्टर, तो मैंने क्या लिखा कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। एक या तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, या मैं क्या लिख सकता हूँ कि 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 और इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूलों से क्या हो सकता है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाला जा सकता है। फॉर द वीडियो एंड कॉपी देन कम टू द नेक्स्ट फार्मूला। देखो भाई इसके बाद एरिया किसका रह गया, एरिया रह गया मेरा कि एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट तो इसमें भी माइनर सेगमेंट होता है और मेजर सेगमेंट होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूरा लिख लें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। कैसे होगा, सेगमेंट होता क्या पहली बात तो ये जाने, ये बना, ये मैंने सेक्टर बना लिया और यहां से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में, ये जो इतना पार्ट है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। अब चूंकि ये छोटा है बड़ा बाकी बचा हुआ ऊपर वाला रह गया, तो इसको हम क्या कहेंगे माइनर सेगमेंट, क्या कहेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर बचा हुआ पार्ट है या ये पूरा पार्ट उसको हम क्या कहेंगे कि मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। तो इनका एरिया निकलेगा कैसे कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, देखो बच्चों हमने क्या करेंगे कि हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे इसका, और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। भाई आप ध्यान से देखो कि इस सेक्टर का एरिया निकाल लूँगा और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँगा, ठीक है।
तो किसका एरिया रह जाएगा, माइनस सेगमेंट का एरिया रह जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ठीक है। तो इस तरीके से अब बच्चों यहाँ पर होता क्या है कि ये जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में आप एरिया निकालोगे कैसे ट्राइंगल का। मान लो कि ये तो दो रेडियाई हैं, रेडियसन सेम होंगे, ये रेडियस सेम होगा ठीक है। तो ये इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा वो इस थीटा पर डिपेंड करेगा, ये जो थीटा होगा ना इस पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा कि ये जो थीटा है, एक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना दे रखा कि 90 डिग्री का दे रखा। तो देखो एक ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, यानी ये इसको बेस मान लेंगे, इसको हाइट मान लेंगे, या इसको बेस हाइट मान लेंगे तो इसको बेस मान लेंगे, किसी को भी मान सकते हैं ठीक है। तो हाफ बी एच के फार्मूले से ये आ जाएगा, हाफ बी एच लगा लेंगे। फिर देखो एक थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है, तो अगर थीटा इज इक्वल टू हमें 60 डिग्री दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा। देखो आप ध्यान से कि अगर ये मुझे 60 डिग्री का दे रखा है तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ही, तो ये तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए क्योंकि दोनों का सम 120 रह गया और दोनों इक्वल है तो 60-60 के रह गए। तो ये क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 और ए स्क्वायर के फार्मूले से हम इसकी एरिया फाइंड आउट कर देंगे। अब मैटर क्या है कि अगर मान लो ये थीटा इसने दे दिया 120 डिग्री का, कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, उस केस में इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो उस केस में एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे और जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ करके आए हैं उस ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर लेंगे, या फिर जहाँ पर क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम एक और मेथड आपको एक्सप्लेन करेंगे जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी ठीक है। तो ये एरिया आपका हमारा क्या था कि माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का एरिया के लिए क्या करोगे कि भाई सर्कल के एरिया को जो ये जो मेजर सेगमेंट का एरिया यानी ये ऊपर वाले पार्ट का एरिया कैसे मैं निकालूंगा, भाई मैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लूँ और सर्कल का एरिया निकाल लूँ, तो सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, ये रिमेनिंग पार्ट बचेगा, उसको हम क्या कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट भी कहते हैं ठीक है। कभी एक थ्योरम हुआ करती थी उसको हम कहते ही थे कि अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम क्लास 10th में, अब वो कहीं नहीं है, कहीं कहीं कंपटीशन में इस यूज हो जाता है उसका ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या है कि इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एक और लिख देते हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ठीक है। मैंने क्या लिख दिया कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बच्चों ये अब आप देखो कि जितने भी फार्मूले हमने एक्सप्लेन किए वो सारे फार्मूले रिलेटेड टू सर्कल से ही थे। इसके अलावा हो सकता है कहीं पर स्क्वायर आ जाएगा, साइड का स्क्वायर, कहीं रेक्टेंगल आ गया ठीक है, कहीं ट्रायंगल आ गया, तो इस तरीके के छोटे छोटे से और कहीं पर हो सकता है कि फार्मूले और भी हो सकते हैं। तो जहाँ पर क्वेश्चन में आएगा वहाँ पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 12.1, लेकिन इस वीडियो में आप कंसेप्ट पहले आप उनको रीड आउट करें, समझें ठीक है, ताकि ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गए तो क्या होगा कि क्वेश्चन को करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से समझ पाएंगे क्वेश्चन को ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।